सर ये मर चुकी है। सर मैंने देखा है इसे, सर ये टेरेस के ऊपर से गिरी है। सर साक्षी वाले केस में सिर्फ यही एक गवाह थी, मुजरिम ने इसे भी मार दिया। छठे फ्लोर पे थी, उसके ऊपर ही टेरेस है। शायद इशिता कुछ बता सकती है एग्जैक्टली हुआ क्या। सचिन इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काविन तुम लोग इसके रूम में देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। अंदर से लॉक है। ऐसा लगता है ना कि कीर्ति यहां से गिरी। हाँ पंकज, इस खिड़की को खोलने और बंद करने का कोई निशान भी नहीं है। इसका मतलब साफ है पंकज कि कीर्ति टेरेस से गिरी है। जूते का निशान सा? सर वो आदमी सही कह रहा था। सर सर कीर्ति अपने कमरे से नहीं गिरी है। सर उसके कमरे में सारा सामान बिल्कुल वही है जहाँ होना चाहिए। इनफैक्ट खिड़की भी अंदर से लॉक है। सर गिरी नहीं है, गिराई गई है। ये देखो ये जूते का निशान देख रहा, मतलब यहां से उसे धक्का दिया गया है। स्विंगम अभी भी गीला है। पंकज चारों के साथ को फोन करो, बुला लो यहाँ पे। इशिता ने कुछ बताया? नहीं सर कुछ कह नहीं रही। और ये कीर्ति का पति राजीव वो कहाँ है? सर जब हम कमरे में गए तो राजीव उस कमरे में था नहीं। ठीक है ढूंढो उसे, कहाँ पे है। कीर्ति तो मुझे छोड़ के ले जा सकती, मुझे कीर्ति को देखता। तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे गिर गई वो? अरे कुछ कर, प्लीज सर मेरी मेरी कीर्ति को लौटा दीजिए। सर मैं उसके बिना नहीं जी सकता, सर मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए यह हादसा हो गया। वैसे राजीव जी आप थे कहां उस वक्त? मैंने ने कीर्ति की दवा लाने के लिए केमिस्ट के पास भेजा था। हाँ सर, तो दवा लाने गए थे वापस आए तो। और आप कहाँ थे? सर मैं रूटीन चेकअप पर था, नर्स को दवा कैसे देनी समझाकर मैं दूसरे वार्ड के मरीजों को देखने चला गया। आप कहाँ थे? सर मैं कीर्ति जी के लिए पानी लाने गई थी। सब कहीं ना कहीं चले गए थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। इशिता तुम कहाँ थे? सर मैं कीर्ति के कमरे के बाहर थी। ये आवाज कैसी? जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। उस औरत का चीखना एक साजिश थी तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता, अगर तुम सावधानी बरतती तो कीर्ति की जान बच सकती थी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, तुम्हारी वापसी का फैसला एसीपी साहब करेंगे। रेडी। श्रेया पूर्वी तारिका के मोबाइल के लोकेशन में कुछ बदलाव है? अरे नहीं सर, इनवरवाड़ा के बाद उन तीनों के फोन का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हम लोग इस वक्त मुंबई के उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो जो कोई भी है वो हमारे ऑफिसर को शहर के बाहर दूर कहीं ले जाने का खतरा उठाएगा। हाँ सर, बिनवरवाड़ा सुनसान जगह है, उन्होंने वही की रखा होगा। श्रेया की माँ का फोन, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या जवाब दूं। सर श्रेया के घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे। अभी तो फोन कट गया लेकिन फिर आएगा फोन। समझ में नहीं आ रहा मुझे श्रेया के मम्मी पापा को क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनको।
ओ भाई साहब, इन लड़कियों को देखा था आसपास कहीं? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, थैंक यू, चलो थैंक्स। इसे इसे घुमाना पड़ेगा। तारिका संभाल के, ऐसे बैठती हूँ। संभाल के श्रेया, संभाल के, संभाल के श्रेया, गुड। रास्ता साफ है। हाँ संभाल के। यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? शाकाल नाम है मेरा। जब तक तुम्हारी मौत का ऑर्डर नहीं आ जाता, तुम्हारा रखवाला हूं मैं। साफ साफ बोलो ना, भाड़े के टट्टू हो। बॉस कौन है तुम्हारा? तुम लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ जानना होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें वो भी बता दूंगा। ए, पास मत आ। अच्छा, जरा फोटो देखना इन लड़कियों को। यहां से कोई उठा के लेकर गया था? हाँ सर, देखा था मैं इनको। कुछ लोग घसीट के लेके जा रहे थे लड़कियों। हाँ पर उस साइड, उस साइड सामने। हाँ हाँ सर, थैंक यू। ओके दोस्त हूं मैं। अपनी दोस्त को आखिरी बार मिलने भी नहीं जा पाई, देख भी नहीं पाई। तनी राजीव पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? मैंने तो एक बार फोन भी नहीं किया, बात करती हूँ राजीव से। साक्षी मैम। हाँ? मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि घर चलने का टाइम हो गया। तुम जो कहती हो मैं करती हूँ, तो तुम्हें ये सब समझ में क्यों नहीं आता? मेरी दोस्त मर गई है। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं मैम, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब भी मैंने आपको अकेला छोड़ा है आपने कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा किया है, तो फिर आपके साथ मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती है। आप चले। सर बड़ी अजीब सी बात है, कीर्ति को टेरेस पे आते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? ये बात तो है। अभिजीत, ये चिंगम तो ले ली है। अब एक काम करता हूँ, ये जूतों के निशान का प्रिंट भी ले लेता हूँ। ये जूतों का निशान ही मैं खूनी तक पहुँचाएगा बस। जूते का निशान ऐसे उल्टा है डॉक्टर साहब, मतलब वो आदमी काफी देर तक यहाँ पे खड़ा रहा, कीर्ति का इंतजार करता रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
और क्योंकि वो इस तरीके से आराम से खड़ा था, इसलिए उसके कपड़ों के रेशे जरूर इस दीवार पर लग गए होंगे। अभिजीत, दीवार को स्क्रैप करके ले जाता हूँ, इसमें वो रेशे जरूर होंगे, और ये रेशे ही हमें बताएंगे कि वो आदमी कहाँ रहता था, क्या काम करता था, कौन था। सर, मगर वो आदमी कीर्ति को क्यों मारना चाहता था यार? एक बार पता तो चल जाए वो कौन था, ये भी पता चल जाएगा। आदमी ने जो बताया उस हिसाब से ही जगह होनी चाहिए। सर, इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, जरा ये फोटो देखो। इन तीनों लड़कियों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? पिछली गली में मैंने कुछ बदमाशों को देखा था, उनके हाथ में बंदूकें थी और वो एक ट्रक लेकर यहाँ पे आए थे। अब उस ट्रक में क्या था ये मुझे नहीं पता। थैंक यू। बंदूकें थी, तैयार हो जा। लगता है वो तीनों यही थे, हमें यहाँ आने में देर हो गई। उनको चेन से बांध कर रखा था यहाँ, पता नहीं यहाँ से उन्हें कहाँ ले गए होंगे। एक काम करो, आसपास देखो, छान मारो जल्दी। वायरिंग हुई है यहाँ पे, श्रेया की घड़ी। आदुषण सर, भूसे से बनाया गया हाथ, और ये देखिए टूटी हुई उंगली, शायद किसी मूर्ति की है। सर, लगता है कोई मूर्ति बनाई गई है। सर, दुर्गा पूजा। हाँ फ्रेडे, शायद यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई गई है। चलो आसपास मूर्ति बनाने वाले से पूछते हैं। आपको कुछ पता चला आपकी फीमेल कॉर्प्स के बारे में? नहीं, आप लोग तो सच्चाई छिपा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम क्यों भला आपसे झूठ बोलेंगे? आप हम पर क्यों शक कर रहे बार बार? या फिर आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे कि आप जल्द ही उन कॉप्स को ढूंढ लेंगे? देखो साक्षी, कीर्ति का खून हुआ है, उसने आपको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अभी मौका है, आप हमें अपनी परेशानी बता सकती हैं। मेरी कोई परेशानी नहीं है, मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। शायद कीर्ति मुझे समझ ही नहीं पाई, पता नहीं उसे क्यों ऐसा लगता था कि मैं परेशान हूं या किसी के दबाव में हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी ये चुप्पी आपको किसी बड़ी मुश्किल में भी डाल सकती है। मेरा बच्चा उठ गया, दो मिनट में आई। सर, या तो ये साक्षी जरूरत से ज्यादा डरपोक है या फिर बहुत होशियार। हाँ, कीर्ति के मुताबिक कोई परेशानी है इसे, लेकिन बता ही नहीं। आ!
हाँ सर, he's dead. लेकिन क्यों? क्यों मारा साक्षी ने? सर वो पागल और खुलकर हो रहे थे सर. उसे लगता है कि सब लोग उसके दुश्मन हैं. पापा उसे समझा रहे थे कि अगर कोई उसे धमकी दे या परेशान करे तो वो आप लोगों को आके बता दे. सर इतने में उसने वो गुलदस्ता उठा के उनको सर पे मार दिया. सर मैं आप लोगों को बुलाने जा रहा था, उतने में उसने मौके का पता उठा के वहां से निकल गई. सर वो आके जाएगी कहां? भैया कीर्ति के पोस्टमार्टम से ना तो कोई ड्रग मिली है और ना ही कोई अंदरूनी चोट के निशान. जो भी चोट है वो सिर्फ बाहरी चोट है ऊपर से गिरने की वजह से, और कीर्ति की मौत भी ऊपर से गिरने की वजह से ही हुई है. डॉक्टर साहब, वहाँ हॉस्पिटल के टेरेस से हमें जो जूतों के निशान मिले थे और कपड़ों के रेशे और च्युइंगम, उससे खूनी के बारे में कोई सुराग मिला? आदर, उस च्युइंगम का डीएनए टेस्ट किया तो पता लगा कि खूनी कोई आदमी है, औरत नहीं. सर आप इस सफेद कपड़े के साथ क्या कर रहे हैं? बस टेरेस पे जो हमें कपड़े के रेशे मिले थे वो इतने महीन हैं, इतने बारीक हैं कि नंगी आंख से देखना मुश्किल है, इसलिए मैंने उन सारे रेशों को इकट्ठा करके इस सफेद कपड़े पर लगा दिया है. अब देखो मैं क्या करता हूँ. सर इस प्रोसेस से हमें कपड़े के रेशे दिख जाएंगे? हाँ पंकज, दरअसल इस प्रोसेस से कपड़े के रेशों का रंग बदल जाए और फिर हम उन्हें आसानी से इस माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकेंगे और पता लगा सकेंगे दरअसल ये चीज है क्या. शायद रेशों का रंग बदल गया होगा. डॉक्टर साहब, ये इन रेशों पर क्या चिपका हुआ है? सबसे पहली बात तो ये दुष्यंत, ये रेशे किसी सूती कपड़े के हैं, विस्कोस के, और ये जो रेशों के ऊपर चिपका हुआ है शायद कोई खाने की चीज है. खाने की चीज से मेरा मतलब है कि ये जो चिपका हुआ है ये किसी फसल का, किसी अनाज का कोई टुकड़ा है, जैसे जैसे गेहूं या मक्का का भूसा या उसका छिलका, वो है. बिल्कुल वही. इसका मतलब ये आदमी दिन के 17-18 घंटे खेतों में गुजारता होगा या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता है, जैसे अनाज का गोदाम वगैरह. अनाज का गोदाम, याद आया सर. सर राजीव ने हमें हॉस्पिटल में बताया था कि वो राशन की मंडी में ये अनाज सप्लाई करने का बिजनेस करता है. नहीं सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी गेहूं के सप्लाई का कारोबार है. पर सर राजीव कैसे हो सकता है? वो तो कह रहा था जब कीर्ति टेरेस से गिरी तो वो केमिस्ट शॉप गया था दवाइयां लेने. पता करना पड़ेगा कि राजीव सच में केमिस्ट की दुकान में था या फिर उस छत पर था जहां से ये कीर्ति गिरी थी. कहां है श्रेया? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? किसे फोन कर रहे हो? श्रेया का फोन नहीं लग रहा है. अरे कहीं बिजी होगी इसलिए फोन नहीं उठा रही है, तुम चिंता मत करो. अरे कल उसकी सगाई है और उसका इस तरह से घर के बाहर रहना मुझे परेशान कर रहा है. देखो मैं अपनी बेटी को तुमसे अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसे कमजोर नहीं बनाया है, तुम चिंता मत करो. पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्रेया के साथ जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक तो है? हाँ सब ठीक है. देखो सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है, वो श्रेया को खुश रखेगा. मैं आपसे इस कटी हुई उंगली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, पहचानते हैं आप इसे? क्या हुआ? हाँ साहब याद आ गया, ये मूर्ति तो मैंने ही बनाई थी और जिसने बनवाई थी ना उसने फोन करके परेशान कर रखा है मुझे मूर्ति में ना उंगली जोड़ने के लिए. कौन है वो आदमी? सर उसका नाम दिनेश है, फिलवाड़ा में मैंने उसकी मूर्ति को रंग किया था. आपका कारखाना तो यहाँ पे है, तो फिर आपने माता की मूर्ति को वहाँ पे जाके क्यों रंगा? सर उसने अपनी निगरानी में अपने गोदाम में माँ की एक विशाल प्रतिमा बनाई थी, इसलिए
रंग करने के लिए मुझे बुलाया था। तो तुमने इन तीनों लड़कियों को वहां देखा था? नहीं साहब, वहां तो कोई नहीं था, बस कभी कभी दिनेश आता था। कहाँ मिलेगा दिनेश? उसका एक होटल है कहीं पर। तुम्हें तो पता होगा उसका होटल कहाँ है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। अच्छा एक मिनट, वो नई उंगली मूर्ति में जोड़ने के लिए उसने तुम्हें फोन किया था? जी साहब। क्या नंबर है दिखाओ। हाँ साहब। हेलो, अच्छा ठीक है, ओके सर। अभी अभी फोन आया, किसी ने साक्षी को ले जाते हुए देखा है। अच्छा ठीक है, जाके पता करो कि मामला क्या है, तब तक हम इस दिनेश की खबर लेते हैं। थैंक यू। यस सर, हम लोग राजीव के गोदाम पहुंच गए हैं सर। नहीं उसे पता नहीं है कि हम यहाँ हैं सर। अरे सुनिए साहब, आपको किससे मिलना है? राजीव से मिलना है। अभी राजीव साहब आए नहीं है। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं आपके, राजीव साहब का आते ही होंगे। बच्चों आप लोग यहाँ पर आओ बाहर। अंकल प्लीज हमें मत मारिए, हमने कुछ नहीं किया। आपको कोई नहीं मारेगा, हम सीआईडी से हैं ना, हम तो आपके दोस्त लोग हैं। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। आओ आओ, कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ। चलो कोई नहीं मारेगा। आओ, वेरी गुड, इस तरफ। किसके बच्चे हैं ये? ये गोदाम में क्या कर रहे हैं? बच्चे कौन लाए तुम्हें? जो अंकल यहाँ रोज आते हैं वही हमें यहाँ पे लाए थे हमारे गांव से, और वो कह रहे थे कि तुम्हें बहुत अच्छा काम देंगे। साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। साहब कहीं से बच्चों को उठा कर लाते हैं और बाद में कहीं छोड़ देते हैं। इसमें किसकी गलती और किसकी नहीं सब पता चल जाएगा। लगता है आपके राजीव साहब आ गए, इनसे तो अब मिलना ही पड़ेगा। आइए 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 राजीव साहब आइए, हमें आप ही का इंतजार था। सर आप लोग यहाँ? जी हाँ हम लोग यहाँ, हमें ये लगा कि हम आपको ये बता दें कि हमें आपकी पत्नी कीर्ति का कातिल मिल चुका है। अच्छा क्या कौन है वो? है एक आदमी जो राशन के काम के साथ साथ बच्चे सप्लाई करने का कारोबार भी करता है, और आपसे बेहतर ऐसे इंसान को और कौन जान सकता है भला? ये आप क्या कह रहे सर, मैं कुछ समझा नहीं। कमाल है, यहाँ किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। पंकज समझाओ इन्हें। ये देखो ये उनमें से कुछ बच्चे, और राजीव हम ये भी जानते हैं कि जिस औरत की आवाज सुनकर रिश्ता हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागी थी उसे तुमने भेजा था। हॉस्पिटल के केमिस्ट ने हमें बताया जब कीर्ति गायब हुई थी तो तुम कभी उसकी दुकान पे दवाई लेने पहुंचे ही नहीं, बल्कि चुपचाप हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते चले गए, पीछे की तरफ, और वहीं से कूद के तुम टेरेस पर चले गए, है ना? पूरी तरह से गिर चुके हो तुम, फंस चुके हो तुम राजीव। अब साफ साफ बताओ क्यों मारा तुमने कीर्ति को? अब साफ साफ बताओ क्यों मारा तुमने कीर्ति को? वो मेरी असलियत जान गई थी और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए उसने मुझे बिना बताए सीआईडी को वहाँ मिलने बुलाया था। मुझे पता चल गया तो मैंने उसके पीछे गुंडे भेजे थे, और आप लोगों ने उसे बचा लिया और उसे हॉस्पिटल में मारने का मेरा प्लान कामयाब हो गया। तुम्हें मेरे काम से परेशानी है ना? आज के बाद नहीं है? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो ना? मेरा भांडा फोड़ना चाहती हो? भांडा? कैसा भांडा राजीव? सादा भोली मत बनो, तुम सीआईडी को बताने वाली हो ना कि मैं गेहूं के कारोबार की आड़ में बच्चे सप्लाई करने का काम करता हूँ। मगर अब तो तुम ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचो। बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़े बेवकूफ राजीव। कीर्ति को तो तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं था,
उसने तो हमें सिर्फ इतना कहा था कि हम साक्षी की जान बचाएं, कि उसे खतरा है। गलती हो गई तुमसे। भगवान, मैंने क्या कर दिया? ऐसे ही होता है राजीव, तुमने अपनी गलती की वजह से खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को खो दिया, और अब इस गुनाह की सजा तुम्हें कानून देगा। साक्षी को जिस औरत ने पहचाना था उसने यही बुलाया था ना? हाँ, यही पे बुलाया था। अरे वो देखो, नारियल वाला, यही पे आने वाली थी वो। सर जी, सर। अरे वो औरत हमें बुला रही है, शायद वही है जिसने हमें फोन किया था। हो सकता है, चलो देखते हैं। सीआईडी को आपने ही फोन किया था? हाँ जी सर, मैंने ही फोन किया था। आपने हमें पहचान लिया? सर आपको कौन नहीं पहचानता, सीआईडी की बहादुर की कहानी पेपर में आती है, उसके साथ आपका फोटो भी आता है सर। अच्छा तो ये बताइए कि आपने क्या देखा? मैं यहाँ पे खड़ी थी तो सामने से एक लड़की, अपना चेहरा शॉल से ढका हुआ था उसका, और वो बार बार पीछे देख रही थी सर, ऐसा लग रहा था उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर सर उसने रास्ता क्रॉस किया, तभी सर एक सामने से व्हाइट कलर की पाइलो कार आई और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। वो लड़की और उस औरत में कुछ बात हुई, और हाँ गाड़ी एक बूढ़ी औरत चला रही थी, और वो लड़की गाड़ी में बैठ गई सर, और वो गाड़ी चली गई। आपको पूरा यकीन है कि वो औरत साक्षी? हाँ सर, आज के पेपर में उसकी तस्वीर छपी है और लिखा हुआ है उसने अपने ससुर का खून किया और वो भाग गई। आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? सॉरी सर, तभी मेरे दिमाग में इतना नहीं आया सर कि मैं नंबर नोट कर लूँ। अच्छा, जो बूढ़ी औरत गाड़ी चला रही थी उसका चेहरा देखा था क्या, पहचान सकती हो? नहीं सर, क्योंकि उसने बड़ा सा काला गॉगल लगा कर रखा था तो चेहरा इतना दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, ऐसी कोई निशानी या कोई चीज जिससे कि हम उस गाड़ी को ढूंढ सकें? वो गाड़ी को देख कर ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पहले किसी शादी में वो गाड़ी जाके आई थी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने उस गाड़ी? उस गाड़ी के ऊपर सर फूल लगे हुए थे जो मुरझाए हुए थे, और रिबन्स चिपकी हुई थी। फूलों से सजाई गई सफेद पायलो गाड़ी। दिनेश जी कैसे हैं? अरे साहब, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमने तो आपकी पूरी कुंडली निकाल ली है। बिनवारीवाड़ा के एक सुनसान गोडाउन में आपने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई थी, सच है या नहीं? हाँ सच है। और वो मूर्ति खंडित हो गई थी, उसकी एक उंगली टूट गई थी। है? आप कौन? हम लोग सीआईडी से। एक बैठ। ये सब सही से बता दो। ये हमारे तीन ऑफिसर का पूर्वी श्रेय और तारिका, जो चाहे मैं आज ही काट दूँ। सर सर सर, गोली बचाओ उसे। नहीं गोली सर, एक सेकंड सर, सर बता दो। बता रहा है वो, बता रहा है बोल रहा है। हाँ बोलो। एसके चाल जहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है। एसके चाल में कहाँ पे? साहब साहब, सिर्फ 3 लड़कियों को मैं वहाँ गाड़ी से पहुँचाया था, वहाँ से कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन है सबके पीछे? शाकल। शाकल, हमने आसपास के फूल वालों से पूछ लिया मगर किसी ने भी पिछले 3 दिन में कोई भी गाड़ी नहीं सजाई है। इससे पूछते हैं। हाँ साहब बोलिए, मंडप सजाना है, गाड़ी सजाना है, या फिर दूल्हा दुल्हन के लिए जयमाला चाहिए? एक सफ़ेद पायलो गाड़ी सजानी है। अरे क्या बात है साहब, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने एक सफ़ेद रंग की पायलो गाड़ी सजाई थी। अच्छा क्या नंबर था उस गाड़ी का? अब साहब नंबर से क्या लेना देना, उस गाड़ी के मालिक या ड्राइवर का नाम तो याद होगा। साहब पता है, लेकिन ये सारे सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, अब बताओ वो गाड़ी किसकी थी? साहब वो गाड़ी बाके साहब की है। बाके साहब? सर एसके चौल। साहब बाके साहब भी तो एसके चौल में ही रहते हैं। सर हम एसके चौल पहुंचते हैं।
ऐसे नहीं मर सकते। मुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। मैम कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है ना? हाँ? श्रेया, तारिका, उठो, उठो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत थी ना जिसकी गाड़ी में तुम बैठी थी, उसे तो हम लोगों ने भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए। हम कहाँ हैं? कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ दया सर को देखा है। अब उस साक्षी को हम नहीं छोड़ेंगे। चलो। और आज हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। सार्थक, तुम लोग ठीक हो? सर, इन सब की प्लानिंग तो आज रात हमें मारने की थी। ओ, ये साक्षी अभी-अभी इस पंडाल में घुसी है। आदर्शन? सर, साक्षी का पति और सास भी आए हैं और उनके साथ साक्षी का बेटा भी है। ठीक है, उन पे नजर रखो। तरीका, साक्षी की पीए कंचन इस तरफ गई है, जरा उनका ख्याल रखना। हाँ। साक्षी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहे तो सीआईडी कॉप्स को अगवा करने का गुनाह अपने ऊपर ले लो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जो करना है, मुझे जितना नुकसान पहुंचाना पहुंचा लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत करना। पहले तुम अपना गुनाह कबूल करो। जम साहब, तुम लोग कबूल करोगे? अरे सर, सर अच्छा हो गया आप लोग आ गए। सर, इसी ने मारा था मेरे पिताजी को। हाँ हाँ, ये पागल है, पागल। अरे अभी तो ये अपने बच्चे की भी जान लेना चाहती है। खूनी है, खूनी। इसने मेरे पति की भी खून की है। और पता है, इन इन तीनों को भी इसी ने अगवा करवाया है।
हमें सब पता चल चुका है। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर फटती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत होने दीजिए। सर सरी, आप ये औरत पागल है सर, आप इसकी बातें सुन रहे हैं? औरत को पागल बनाने वाले, अब औरत तुम्हें अपनी ताकत दिखाएगी। साक्षी मारो इसे, बदला लो इसे। साक्षी नहीं, सुनो, औरत को कमजोर समझ रहे, डरपोक कर दो साक्षी। नुसरत बुलाने वाले। साक्षी मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब तुम्हारी जायदाद पाने के लिए किया। इसी की वजह से मैं खूनी बनी हूँ, मुझसे खून हुआ है। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? घर में सीआईडी बैठी है और तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो? अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो तुम जानते हो वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। याद रखना, अगर कोई होशियारी की और उन्हें कुछ बताया ना, तो तुम्हारा बेटा। बताओ, मुझे जितनी तकलीफ देना चाहते हो तो मेरे बेटे के बारे में मत सोचना। चुप, बाहर जाओ, सीआईडी वाले अंदर आ जाएंगे। तुमने मुझे धमकी दी, तुम्हारी ये हिम्मत। अब देखना मैं सीआईडी को बताता हूँ तेरी करतूत। साक्षी संभालो अपने आप। अरे जब जब औरत पर अत्याचार बढ़ेगा, वो चंडी का रूप धारण करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये संसार औरत से है। ये पूर्वी और तारिका श्रेया को नीचे लाने में इतना देर क्यों कर रही है? यार फ्रेडी, थोड़ी तसल्ली रख, लड़कियां हैं, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है यार। मगर दूल्हे राजा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? ये बात तो है। ये देखिए सिद्धार्थ की अंगूठी। क्या बात है अमृता जी, लगता है आपको अंगूठी पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ और उसके चाचा जी ने तो ये डिजाइन सिलेक्ट की थी। वैसे तो सिद्धार्थ और उसके परिवारों ने बहुत कुछ पसंद किया था जो मुझे पसंद नहीं है। लगता है कुछ खास महंगी नहीं है। सुहाने जी, मासी जी, तेरा भाई सिद्धार्थ अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? सुहाने जाकर देख क्यों? जी मासी जी। सिद्धार्थ की ये मौसी जी है, मेरा मतलब इस घर में इनकी काफी चलती है लगता है। हाँ, शादी के बाद श्रेया को समझाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट श्रेया। आपकी बेटी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहीं उसे इस सगाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं। वो देखिए श्रेया आ गई। Congratulations, sir. Thank you, sir. Namaste, Masi ji. Namaste, Chacha ji.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.